तो दोस्तों, अगर आप भी आलू और सूजी से बना हुआ पकौड़ा खाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेसिपी जायका पे। और रेसिपी जायका पे आज बनने वाले हैं आलू और सूजी के पकोड़े। तो आलू और सूजी के पकोड़े बनाने के लिए आपको सबसे पहले आलू को उबाल करके छील करके ऐसे रख लेना है। तो उसके बाद आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। जितने भी आलू आपके पास हो उन्हें कद्दूकस कर लेना है, जिससे कि जो सारे आलू हैं आपके वो छोटे छोटे हो जाएं। और कद्दूकस करने के बाद आलू आपके सामने कुछ इस तरह से होंगे, तब आपको जो भी मसाले हैं आपके वो अपने तैयार कर लेने हैं। तो इसमें जो जो चीज़ आपकी लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका जो सबसे पहले लगेगा सूजी लगेगी, पानी, और साथ में पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हरी मिर्च, बेसिक यही चीज़ें लगेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गैस को ऑन करके उस पर एक बर्तन को रख लेना है और उसमें एक गिलास पानी डाल लेना है। तो जब पानी गर्म हो जाए हल्का सा, तब आपको उसमें सूजी को मिला लेना है। और सूजी को इसमें मिलाते ही ये थोड़ी सी फूलनी शुरू हो जाएगी, तभी आपको क्या करना है, इसमें जो मसाले आपके पास हैं खड़े वो इसमें मिला लेने हैं। जैसे सबसे पहले धनिया मिला लेना है, लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक भी आप मिला लेना है इसमें। और इन सभी मसालों को इसमें मिलाने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए थोड़ा टाइट सा हो चुका है ये पूरा मटेरियल जो सूजी का आपने बनाया है पानी में डलने के बाद। तो जब ये ऐसे हो जाए और आपका जो पूरा मिर्च मसाला है वो इसमें मिल जाए, तब आपको क्या करना है, जो आलू आपके पास रखे हैं वो इसमें डाल लेने हैं। और आलू को इसमें डालने के बाद आपको हरी मिर्च जो आपके पास कटी हुई रखी है वो भी डाल लेनी है, और साथ में जो नमक है वो भी थोड़ा और आप डाल लीजिए अच्छा टेस्ट देने के लिए। और जब आप इसमें ये मिला लोगे तो आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर गर्म करते रहना है। और जब आप इसको लो फ्लेम पर गर्म कर रहे होंगे तो ये हल्का हल्का सा बर्तन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तब आपको क्या करना है, अपनी गैस को बंद कर लेना है जब ये हल्का सा गैस को छोड़ना स्टार्ट कर दे। और गैस को बंद करने के बाद ये जो पूरा मटेरियल आपका तैयार हो चुका है, आप इसको किसी बर्तन में निकाल लो दूसरे में, और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दे। और जब ये पूरा मटेरियल आपका ठंडा हो जाए अच्छे से, तब आपको क्या करना है, तब इसके पकोड़े बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो कैसे करना है आपको, आपको थोड़ा सा देसी घी लेना है हाथ पर ऐसे, और ये जो पूरा आपका मटेरियल है इसको कुछ इस तरह से एक जगह पर इकट्ठा कर देना है। और उसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा और देसी घी लेना है, और उसको हाथ पर अच्छे से लगाने के बाद आपको इसके छोटे छोटे पकौड़े जो है बनाने स्टार्ट कर देने हैं। और आपको सबसे पहले जो इसके छोटे छोटे पकौड़े होंगे इनको अलग बर्तन में रख लेना है, पहले सारे के सारे आपको बना लेने हैं, उसके बाद ही इनको तलना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सभी पकौड़ों को बना लेते हैं। जब आप सभी पकौड़ों को बना ले और आपके सामने पकौड़े कुछ इस तरह से हो जाएं, तब आपको क्या करना है, अपनी गैस को फिर से ऑन करना है और उस पर एक कढ़ाई को रख लेना है। और उस कढ़ाई में आपको सरसों का तेल डाल, और सरसों का तेल इसमें डालने के बाद आपको सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख देना है कुछ देर के लिए। और जब आपका सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तभी आप इसमें जो आपके पास पकौड़े हैं उनको डालना शुरू करना है। जब अच्छे से आपका तेल गर्म हो जाए, उससे आपके जो पकोड़े होंगे वो बहुत ही ज़्यादा करारे बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आपको इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, तब आपको क्या करना है, इनको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इनको बर्तन में निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो दूसरे आपके पास और रखे हुए हैं पकोड़े उनको भी आपको ऐसे ही तल लेना है और अच्छे से फ्राई करके इनको भी निकाल लेना है वैसे ही जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये जो आपके पकोड़े हैं सूजी के और आलू के, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकोड़े बनने वाले हैं दोस्तों। और आपको भी इन पकोड़ों को अपने घर पर बनाकर ज़रूर देखना है और हमें कमेंट कर बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम आपको मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।